हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम करेंगे मेंटल मैथ्स की सीरीज को आगे कैसे किया जाता है 69 तक के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा 59 तक, आज करेंगे 69 यानी कि टिल 69 जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम्स है, टू डिजिट और थ्री डिजिट है, वो सारे मेंटली। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एडिशन से, 6 + 63। अब 63 को एक्सपांड कैसे करना है मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी, आई होप आप सब समझ चुके हैं हम आंसर कैसे लिख रहे हैं। 4 + 60 + 1 आंसर है 65, बिकॉज 4 और 1 को हमने ऐड किया है। 64 + 5 सेम वे, 5 + 60 + 4 आंसर है 69। 5 + 62 5 + 60 + 2 आंसर हो गया 67। ये ब्रेक करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि छोटे डिजिट को हम फटाफट एक्सपेंशन से पता कर सकते हैं आंसर, जो कि एक्यूरेट मिलता है। वापस से वैसे ही हमें करना है, ये डिजिट में हमें जितने भी कम पड़ रहे हैं राउंड फिगर पे लाने के लिए उतना हम नेक्स्ट डिजिट से कैरी करेंगे। सो 59 + 1 + 5 + 3, ये 1 + 5 यानी कि 6 का एक्सपेंशन, ताकि हमें मिल जाए राउंड फिगर 60। 60 + 8 = 68। अब मैं बार बार पूरा लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। आई होप आपको पता है कि कैसे लिखना है इसका एक्सपेंशन। 56 + 6 + 7, 56 में कितना कम पड़ रहा है हमें, 4 + 2 + 7 आंसर मिलेगा 69, करेक्ट। ये 4 और 2 है, ये वाला 6। 57 + 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हमें नेक्स्ट डिजिट को एक्सपांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 57 + 6 = 60 + 8 = 68, करेक्ट। अब ये हम ऑब्जर्व से भी पता कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होना ही नहीं है, क्योंकि 7 - 5 = 2 पता है, 62 हो जाएगा। 9 - 7 = 2 होता है, सो 62 आंसर। 66 - 2, तो 6 और -2 = 64, क्योंकि 6 - 2 = 4 होता है। अब 3 डिजिट के लिए हमें पता है, हम ये 2 डिजिट को प्लस करने से आंसर मिलता है 6, 8 - 6 कर देंगे तो हो जाएगा 2, 62 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये सारे सम्स मैं एक्सपेंशन के साथ कर रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए आपका। 69 - 5 - 5 - 1, अब ये दोनों को हम प्लस अगर कर देते हैं तो आंसर हो जाता है 6, तो 63। इससे और एक्सपांड करेंगे, 60 + 8 - 4 - 3 फिर मिलेगा हमें 60 + ये दोनों को माइनस करने पे मिलेगा 4 - 3, फिर लिखेंगे हम 1, आंसर मिलेगा 61। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब ऑब्जर्व करके भी ये चीज लिख सकते हैं, सेम है 60 + 7 - 5, क्योंकि ये दोनों को हमने प्लस किया है, 7 - 5 = 2 हो जाता है, सो 60 + 2 आंसर हो गया 62। ये सारी चीज रिपीट में बार बार मिच बिच के कोई सम में मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि रिविजन अच्छे से हो, कॉन्सेप्ट हम भूले नहीं कि मेंटल मैथ्स के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। मेंटली हम जरूर कर सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, इसीलिए रिविजन करते टाइम भी मेक श्योर पैटर्न आप पूरा लिखे, कुछ सम में कुछ सम मेंटली करें, कुछ सम आप वर्बली कीजिए, आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताइए अपने आप को और देखिए कि आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। टिल 69 हमने कर लिया है, आगे वाले वीडियो में हम बड़े डिजिट्स भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।